नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स, यानी कि अपनी गलतियों से सीखने के बारे में। देखिए, जब भी कोई बात आती है कोई काम करने की, तो हम डरते हैं कि हमसे कोई गलती ना हो जाए। लेकिन अगर आप कोई काम नहीं करेंगे तो गलती नहीं होगी, अगर गलती नहीं होगी तो आप सक्सेस की तरफ कैसे जाएंगे। तो मेन बात आती है कि अगर आप गलतियों से डर जाते हैं तो आप उस काम की शुरुआत ही नहीं करते, या उस काम की शुरुआत करते हैं उसके अंदर गलती हो जाती है तो आपको लगता है कि नहीं, ये मैंने पहले ही सोचा था कि गलती हो गई है और ये आपसे नहीं हो पाएगा। तो लेकिन जो लोग काम की शुरुआत ही नहीं करते, उनका तो फेल होना बिल्कुल गारंटेड होता है, यानी कि उनका कोई भी काम में सफल ना होना बिल्कुल गारंटेड होता है। लेकिन जो लोग प्रयत्न करते हैं, वो ऐसा हो सकता है कि कोई अगर वो छोटी मोटी गलती करते हैं तो उससे वो सीख सकते हैं और सीख के आगे बढ़ सकते हैं। देखिए, गलतियां तो होंगी अगर कोई आप काम करेंगे, लेकिन अगर आप नहीं करेंगे तो गलती कहाँ से होगी। तो गलती करना ये कोई गलत बात नहीं है, लेकिन उस गलती से ना सीखना ये गलत बात होती है। सबसे बड़ी गलती आपकी ये होती है कि आप अपनी गलती से ही ना सीखें। जब भी कोई गलती होती है किसी भी काम के अंदर, या कहीं की मिस्टेक होती है, तो आप उससे सीखें और आप उसका यूज़ करें आगे बढ़ने के लिए, लेकिन आप उसको कभी भी दोहराएं मत। तो दोहराने का क्या है कि अगर मान लीजिए बार बार आपसे गलती हो रही है, तो इसमें आपका नुकसान क्या होगा। ठीक है, आप बार बार उस गलती को सुधारते हैं फिर हो जाती है, बार बार उस गलती को सुधारते हैं फिर हो जाती है, इससे नुकसान आपका क्या होता है। इससे ये नुकसान होता है कि जैसे मान लीजिए आप अपने गोल की तरफ, आपने छोटे छोटे लक्ष्य तय किए हैं उसको तक जाने के लिए, आपने छोटे छोटे लक्ष्य जो है सेट किए हैं, और किसी स्टेज पर जाके आपसे मिस्टेक बार बार हो रही है, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मेन जो है आपका टाइम कंज्यूम होता है। ऐसा नहीं है कि आप बार बार गलती कर रहे हैं तो आप आगे नहीं जा सकते, आप जा सकते हैं, लेकिन बार बार गलती करने के कारण आपका टाइम ज़्यादा कंज्यूम होता है, जिससे क्या है, जो आपका जो लक्ष्य है, जो मेन लक्ष्य आपने तय किया है अपने लिए, तो उस तक पहुँचने के लिए आपको ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, ज़्यादा टाइम आपका कंज्यूम होता है। तो गलती करके आप सीख सकते हैं, लेकिन आप ऐसा कीजिए कि जो पहली जो गलती है उसी से सीख लीजिए, ताकि वो दोबारा ना हो और आपका टाइम बचे, आपकी एनर्जी बचे और आपका जो फोकस है वो बचे। तो इस तरह से अगर आप बार बार गलती करते भी हैं, उससे आप सीखेंगे, एक ना एक दिन तो आप सीखेंगे ही अगर आपको बढ़ना है। और अगर बार बार गलती होने के कारण क्या है, कई बार आपका जो मोटिवेशन है, या कहें कि आपका जो हिम्मत है या साहस है, वो टूट जाता है और वो कहता है कि आपसे नहीं होगा। तो कोशिश यही कीजिए कि जो पहली गलती है उसको दोबारा ना दोहराएं, अगर वो दोबारा हो भी जाती है तो तीसरी बार तो बिल्कुल भी उसको मत दोहराएं, और उससे कुछ सीख के उससे आगे बढ़ें। तो देखिए, जब भी कोई गलती होती है किसी भी काम में होती है, तो ऐसा नहीं होता कि वो डेड एंड हो जाता है, कि आपकी जो लक्ष्य आपने जो पाना था यहीं पे वो ख़त्म हो जाता है, ये गलती के कारण वो डेड एंड हो गया है। देखिए, गलतियां तो बहुत होंगी, फेलियर भी बहुत होंगे, लेकिन ये कभी डेड एंड नहीं होता। तो आप इन गलतियों से सीख के, इन फेलियर से सीख के, जैसे जैसे आगे बढ़ते रहेंगे, आपको अपना जो लक्ष्य है आपके पास वो आता चला जाएगा, या कहें कि आप अपने लक्ष्य के पास जाते चले जाएंगे, और एक दिन आप क्या है, एक जो वो लक्ष्य है अपना वो प्राप्त कर लेंगे। अब देखिए, जो ये मिस्टेक्स होती हैं आप करते हैं, तो अच्छा है कि आप अपनी गलती से सीखते हैं, लेकिन उससे भी अच्छा है कि किसी दूसरे ने अगर वो मिस्टेक्स की हैं आप उनसे ही सीखें, ये उससे भी बढ़िया है। क्यों? क्योंकि अगर आप दूसरे की गलतियों से सीखेंगे तो जो आपकी गलती करने के चांसेस हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे, और जैसे जैसे आपके ये चांसेस जो हैं गलतियाँ करने के ख़त्म होते रहेंगे, या गलतियों से आप कुछ सीखते रहेंगे, तो डेली आप क्या है, एक नए पर्सन के रूप में, एक नए बिहेवियर के साथ, नए एटीट्यूड के साथ उभरते रहेंगे, और आप एक बेटर पर्सन बन जाएंगे, और आपको डील करना आ जाएगा इस तरह की प्रॉब्लम्स को, इस तरह की गलतियों को, और आप उनको डील करके, उनको पार करके अपने जो लक्ष्य है, अपने टारगेट है, उनको आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी परिस्थिति हो, आप हर तरह की मिस्टेक से गुजरे हुए हैं, उनसे सीख चुके हैं आप, तो जो आप सीख चुके हैं उनका आपको यूज़ करना है बस। फिर जो भी परिस्थितियाँ आएंगी, आपको आ जाता है वो काम कि आपको किस तरह से टैकल करना है किसी भी परिस्थिति को, और फिर आप एक बेटर पर्सन बन जाते हैं, और आपका जो गोल है आपके बिल्कुल करीब आ जाता है, और उस गोल को पाने के बाद आपको लगता है कि आपका जो गोल है छोटा है, उसको आप बढ़ा लेते हैं, और बड़े गोल की तरफ बढ़ना आप शुरू कर देते हैं, स्टार्ट कर देते हैं। तो ये जो गलतियां हैं, देखिए मिस्टेक्स होती हैं, लेकिन उनसे सीखना बहुत ज़रूरी है। तो हम जो आज की वीडियो है इसीलिए हमने बनाई है कि जो लोग हैं मिस्टेक से डर जाते हैं, या तो वो काम ही नहीं स्टार्ट करते, अगर काम स्टार्ट करते हैं
तो मिस्टेक के कारण उसको बंद कर देते हैं और वो सोचते हैं कि ये फेलियर हो जाएगा काम, तो ऐसा नहीं होता। मिस्टेक से आप सीखें, सीख कर उसको यूज़ करें, लेकिन उसको कभी भी दोहराएं मत। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और ज़्यादा अपडेटेड वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।